भारत में सोने को परंपरागत रूप से निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है। इसके साथ ही सोने का संबंध दिवाली, दशहरा और अक्षय तृतीय जैसे शुभ मौकों से भी है। देश में जैसे जैसे त्योहारी और शादियों का सीजन आता है, सोने का भाव बढ़ने लगता है। ध्यान देने की बात यह है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट और मेटल मार्केट जैसे दूसरे एसेट क्लास में ऑल टाइम हाई लगने के बावजूद इस साल सोने में कोई तेजी देखने को नहीं मिली है, बल्कि ये MCX पर अपने 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से 15% नीचे तक नजर आ चुका है। जिसको ध्यान में रखते हुए जानकारों का मानना है कि इस साल ज्वेलरी में जबरदस्त खरीद देखने को मिल सकती है। कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में तमाम राहत पैकेजों और अमेरिका में ब्याज दरों के शून्य के आसपास रहने के साथ ही डॉलर दुनिया के तमाम करेंसियों के मुकाबले कमजोर हो रहा है, जो कि गोल्ड की कीमतों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। सोने को लेकर सिर्फ चिंता यह है कि अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड इसी तरह बढ़ता रहा तो सोने के भाव की तेजी कहीं ना कहीं थमती नजर आ सकती है। भारत में बड़ी मात्रा में सोने का आयात होता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक देश है और हर साल भारत में लगभग 800 से 900 टन सोने का आयात किया जाता है। इस आयातित सोने का उपयोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है। कीमत कम होने की वजह से इस साल भारत में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। वहीं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के मुताबिक देश में सोने का आउटलुक काफी बुलिश बना हुआ है। गोल्ड मार्केट का आउटलुक और इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत बने हुए हैं। पूरे दुनिया की इकोनॉमी में आ रहे तेज सुधार और ग्लोबल स्तर पर बढ़ती मुद्रा आपूर्ति को देखते हुए इस बात की उम्मीद है कि गोल्ड दिसंबर 2021 तक ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।